हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल पे आपका स्वागत है कल लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं इग्नू के 3 न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें फाइनली फर्स्ट अपडेट होने वाली है, जो आपकी टेंटेटिव डेट शीट है दिसंबर 2021 के लिए इग्नू ने जारी कर दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट लगातार इंतजार कर रहे थे एग्ज़ाम फॉर्म की, टेंटेटिव डेट शीट की, एग्ज़ाम कब होगा, काफ़ी सारे सवाल थे। तो अभी मैं इसमें बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, दूसरी जो अपडेट है, फ्रेश एडमिशन जुलाई 2020 की लास्ट डेट को एक बार फिर से एक्सटेंड किया गया है। किन प्रोग्राम्स के लिए एक्सटेंड किया मैं आगे बताऊंगा, और डीईसी प्रोजेक्ट की रिवाइज गाइडलाइन आ चुकी है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज इग्नू से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। काफ़ी दिन से काफ़ी सारे स्टूडेंट लगातार यही सवाल कर रहे थे, एग्जाम कब होगा, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कब से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी इस वीक में मैनेजमेंट की मीटिंग भी होने वाली है, और मीटिंग हो चुकी है लगभग, और कुछ ना कुछ डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। तो वो डिसीजन यही कि टेंटेटिव डेट शीट उन्होंने डाल दिया, लेकिन जो कि बात हो रही थी, जिसे ने गाइडलाइन निकाला था कि प्रमोशन के लिए भी, कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उनको इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से आगे प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए, बट उस पर कोई भी अभी नोटिफिकेशन, कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई। उसके अगर उसको लेकर कुछ भी चीज़ आती है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। बस टेंटेटिव डेट शीट जारी किया गया है, और जो है एग्जैक्ट डेट शीट जो है अनाउंस की जाएगी कुछ दिनों बाद। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो टेंटेटिव डेट शीट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग भी अपना ध्यान से अपना डेट शीट देख लीजिए। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो डेट शीट आई है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इग्नू में जितने प्रोग्राम ऑफर होते हैं सभी के लिए हैं, और सभी ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए है अभी तक, ठीक है। आगे इसमें क्या होता है, अगर प्रमोशन वगैरह का कुछ हिसाब किताब बनता है, अगर वो को गाइडलाइन निकालेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया टेंटेटिव डेट शीट है, और एग्ज़ाम फॉर्म जो आपको जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा दिसंबर 2021 के लिए, वो उसमें मेंशन कर दिया उन्होंने, कुछ गाइडलाइन है। और जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, अब जो प्रोग्राम, जो सब्जेक्ट, जो कोड के, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और कुछ जो पहले की गाइडलाइन के हिसाब, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के हैं, या फिर आपका बैकलॉग है, या फिर अलग अलग ईयर के जो है आपके प्रोग्राम हैं, तो वो अगर क्लैश होते हैं तो फिर उनको क्लैश नहीं माना जाएगा। हाँ, आपका किसी भी जो सेम ईयर के सब्जेक्ट अगर मैच करते हैं एक ही दिन पे, तो वो क्लैश माना जाएगा। उसके लिए आप ये डेट शीट जो एग्ज़ाम जो ये ईमेल आईडी दी है उस पर आप ईमेल करिएगा, 10/11/2021 से पहले तक आपको ईमेल कर देना है, datesheet@ignu.ac.in इस फॉर्मेट में, ठीक है। बाकी सारे प्रोग्राम को यहाँ लिस्ट कर दिया गया है, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन आपको पता है 10 से 1 और 2 से 5, और डेट स्टार्ट होने वाली है आपकी 20 जनवरी 2022 से। और लास्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, लास्ट एग्ज़ाम रहेगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं नीचे ले जाके, जो है 22 फरवरी 2022 तक। लेकिन इसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी आगे जो है, हालांकि ये टेंटेटिव डेट शीट है, उसमें जो भी चीज़ें हैं मेंशन कर दी जाएंगी। कुछ चीज़ें जो ग्रुप वाइज मेंशन की जाती है, जैसे कि ये ग्रुप 6 है, तो ग्रुप 6 में आने वाले सब्जेक्ट को भी इस बार शायद यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ नीचे ग्रुप 6 भी लिख दिया गया है, जो ग्रुप वाइज सब्जेक्ट भी नीचे यहाँ मेंशन रहता है कि ग्रुप 1 में कितने सब्जेक्ट आते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे दिखाता है, जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट EHI 2 मान लीजिए, ठीक है, EHI 2 आपका ग्रुप 2 में है, ठीक है। यहाँ पर आप देखा आपने EHI 2, यहाँ पे ढूंढने पे EHI 2 मिलेगा, या ग्रुप 2 यहाँ पे लिखा है, तो ग्रुप 2 जहाँ भी लिखा होगा उसी डेट को आपका एग्ज़ाम होने का EHI 2 का। तो यहाँ भी शायद EHI 2 मेंशन कर दिया गया। इस बार काफ़ी अच्छा अपडेट भी किया गया है कि ग्रुप, जो ग्रुप के सामने उन सब्जेक्ट को भी मेंशन कर दिया गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें परेशान हो जाते थे कि मेरा सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है, किस डेट को मेरा एग्ज़ाम है, इस ग्रुप में दिखा रहा है ग्रुप वाइज ये है, जैसे कि ये ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 का एग्ज़ाम 7 फर जो है फरवरी को है, मंडे को है, इवनिंग सेशन में है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पाएंगे, ग्रुप के सब्जेक्ट को इस बार इसमें मेंशन किया गया है। डेट शीट पे अपना देख लीजिए, सेम ईयर के अगर सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं तो आप उनको ईमेल करिए datesheet@ignu.ac.in पे, 10 जो है यहाँ पे 10 कितना लिखा है 10 जो है नवंबर से पहले तक यहाँ पे ये डेट मेंशन कर दिया है हालांकि, ठीक है। बाकी उसमें कुछ चेंजेज होगी और कुछ चीज़ें इसमें की जाएंगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। अगर इसमें भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा। इस पर मैं लाइव भी करने वाला हूँ,
जल्द ही आपको लाइव ग्रुप पे मिल जाऊंगा, तो इस पर और भी बातें करेंगे हम। हालांकि अभी बस यही है, अभी एग्ज़ाम फॉर्म भी स्टार्ट नहीं किया गया है और जो प्रमोशन वगैरह का जो हिसाब किताब है उसके भी कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं है। एग्ज़ाम से या एग्ज़ाम फॉर्म से पहले ही चीज़ें होंगी। ये हो सकता है एग्ज़ाम फॉर्म नेक्स्ट जो है मंथ इस वीक के सॉरी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट कर दिया जाए। जैसा भी रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। और अब अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट जैसा कि पता है फ्रेश एडमिशन स्टार्ट था 25th जो है अक्टूबर लास्ट डेट थी, बट फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। किन प्रोग्राम्स के लिए? जो है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, एक्सेप्ट सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा, ये सबको सबकी डेट ओवर हो चुकी है। बस सिंपल मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री की जो है एडमिशन अभी स्टार्ट है। तो अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपको एक और मौका मिल गया है, 31st अक्टूबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। और क्या पता और भी डेट एक्सटेंड हो जाए, तो कुछ पता नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता इग्नू में, सब समझ लीजिए एकदम ऐसे ही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी डेट फिलहाल एक्सटेंड हो चुकी है, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हैं जुलाई सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है जो है दोस्तों, रिवाइज गाइडलाइन जारी की गई है प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए, डीसी प्रोग्राम के लिए, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण एक जो है रिवाइज गाइडलाइन आई है, इसको डाउनलोड कर लिए। जो भी डीसी का स्टूडेंट है पूरा गाइडलाइन ध्यान से पढ़ेगा। इसमें जो है 25 पेज का जो है इंग्लिश में है, 25 पेज का जो है हिंदी में, दोनों गाइडलाइन मेंशन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या इग्नू की मेन वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। इसको पढ़ के आप आराम से अपना प्रोजेक्ट बना के, अभी तो ऑफलाइन सबमिट हो रहा है, या फिर अभी जल्द ही आपका ऑनलाइन पोर्टल भी ओपन कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट सबमिशन का, उसमें भी आप कर सकते हैं। और एक बात कर लेते हैं, आपके लास्ट डेट आप जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हैं जो है असाइनमेंट को लेके, असाइनमेंट की लास्ट डेट को भी एक्सटेंड किया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, असाइनमेंट की लास्ट डेट एक्सटेंड होने वाली है और एक दो महीने अभी और चलेगा, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। अपना असाइनमेंट अपना बनाते रहिए और जो भी जैसा भी गाइडलाइन आपका रीजनल सेंटर और आपका जो है स्टडी सेंटर दे रहा है उस हिसाब से आप सबमिट करवाते रहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, खासकर जो है आपकी टेंटेटिव डेट शीट, एक डेट पता चल गई। जैसा कि आपको पता है 20 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपका, इस पर मैंने काफ़ी पहले भी चर्चा की थी, क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्म वगैरह जो है रीवैल्यूएशन की पहली अपडेट अभी रिसेंटली आई है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से सभी काफ़ी लेट हुआ, ठीक है। तो और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।